खरीदने की मदद की हो। क्या ये कार? एक ऑडियो। हमें किस्मत यहाँ पे है ना, अवनी है ना लेट रही थी, सोई नहीं थी, मतलब ये कलर की डिब्बी ले रहा था और दोनों बहन भाई खेल रहे थे तो उसको कह रहा कि ले चिज्जी खा ले, चिज्जी खा ले, और अपनी गोद में लुटा के रखता है, बहुत प्यार करता है अपनी बहन को, अपनी गोद में लुटा के अक्सर ऐसे ही शाम के टाइम में लेटा लेता है दिन में, और जरा सा अवनी को कोई हाथ लगाते तो एकदम चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत लाड करता है अपनी बहन के। यहाँ पे मैंने ना आलू ऑयल उबाले थे, चलो वो नहीं बोलते हिंदी में, बोलते आलू उबाले थे तो हाँ उड़ालो आलू का जो है आलू के पराठे, हाँ जी आप लोगों को दिखाए, और फिर मैंने की पूजा गोपाल जी की। आप लोग देख ही सकते हो गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं नहा धो के, और मैंने अपने गोपाल जी को बहुत अच्छे से तैयार किया। फिर मैं आ गई बाहर और मैंने आप लोगों को दिखाया था ना आलू उबाले, आलू को एक एक करके मैंने फोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, अब बना रहे आलू के पराठे, पिट्ठी तैयार है, एक दो पराठे बना भी लिए हैं और बाकी के पराठे बना रही हूँ मैं। और आज आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, हलवे को लेकर कुछ याद आ रहे थे कि इतना कम हलवा दीदी किस किस को खिलाओगी, तो ये तो कायरव कायरव के लिए है, कायरव कायरव खा लेगा, मैंने बताया भी है वीडियो में, जो दाल है पिसी हुई वो ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी थी, हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी कहीं बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। थोड़ा सा पहले जब भी कोई चीज़ बनाए तो थोड़ी सी इसलिए बनाएगी, भाई मान लीजिए हमने कोई चीज़ नहीं खाते थे या नहीं खाई और फर्स्ट टाइम हमने बहुत सारी बना ली तो वैसे वेस्ट जाएगी, थोड़ा सा बनाया वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखा दिया। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। आज के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हंसी आई, नी ना बुरा लगा ना, मतलब मैंने इस बात को इतना सीरियसली लिया क्योंकि भाई आप जैसा देखते हो वैसा ही बोलते हो, तो मुझे कमेंट आए कि हलवा इतना कम क्यों बनाया, इसे कौन खाएगा, इतना कम हलवा बनाया, कायरव के लिए बनाया। मैं बता दूं, मैंने बताया भी था कि मतलब जो है मैंने चने की दाल पिसवा रखी थी, उसका जो है बेसन बनवा रखा था तो वो ख़त्म हो गया था, वो थोड़ा सा इधर डब्बे में हम लोगों ने मतलब डब्बे में से थोड़ा कुछ झाड़ के, जैसे बोलते हैं कि डब्बा झाड़ लिया और उसमें से निकाल के तब हम लोगों ने ना वो बनाया था बेसन का हलवा, तो वो इसमें इतना ही निकला था, मुश्किल से आधा कप निकला होगा और उसमें ऐसी आधा कप चीनी डल गई और उसकी वजह से वो है ना बहुत कम ही बना, थोड़ा ही बन पाया, पर टेस्टी इतना था बहुत। अभी दाल के पैकेट रखे हैं, तब पिसवाएंगे ना उसको, तब फिर काफ़ी सारा बना के दिखाएंगे। और एक तरीके से और बनाया जाता है, वो दूसरे तरीके से जैसे बनाया जाता है वो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल जितना भी मेरे पास था मतलब बेसन उतने का मैंने बना के दिखा दिया और सच में इतना टेस्टी लगा बहुत, मैं बनाया करूँगी, मेरा मन कर रहा है खाने के लिए दोबारा। तो दाल को मतलब और तरीके से बनाएंगे हम, जैसे एक दूसरा तरीका है तो दाल को 7-8 घंटे के लिए भिगोएंगे रात भर और सुबह उसको फिर घी में फ्राई करके, तब मैं मतलब वो तो वीडियो में बता दूंगी आगे। और आज देखिए इतना थोड़ा, कायरव तो नहीं खाता, सूजी का हलवा खाता है, चने की दाल का तो वो सो रहा था उस टाइम, नहीं खा पाया, थोड़ा सा था के लिए थोड़ा सा रखा भी था, उसने 1-2 चम्मच खाया है, लग जाएगा सहसा लाइन की ताकतवर चीज़ है, चने की दाल का हलवा, चने की दाल के लड्डू, बेसन के, और वैसे बेसन के भी लड्डू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ताकतवर होती है, हमें फ़ायदा देती है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। पकाओ बाला 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 बाला, सॉरी 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 सॉरी, हम सॉरी करेंगे अन्नी को कान पकड़ के, कैचो करेंगे बाबू, कक्के दिखाऊंगे, आजा करके दिखाइयो, आप इधर देखो, इधर देखो, कान पकड़ो दोनों, ऐसे कान पकड़ लो, देखो छोरी, मैं मम्मी से मस्ते करियो, ले What's the heat?
काफी टाइम से है ना ये अवनी की साइकिल वगैरह नहीं लगा रखी थी, बिल्कुल खराब पड़ी हुई थी, तो आज इसके मामा ने उसकी साइकिल में गद्दी लगा दी कि ये इतने टाइम से ऐसी पड़ी हुई है, बच्चों के काम आ जाएगी, तुम इसमें गद्दी जो लगवा ले। मैंने कहा भैया मेरा जाती हूँ ऊपर लाके लगाएगा कौन यहाँ पे है, लगाता एक लड़का है मिस्त्री है पर वहाँ लेके कौन जाएगा। कि मैं तो इसके मामा ने यहीं पे सही कर दी और ये मेरे को दिखा रहा था कितने अच्छे से ब्रेक लग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा तेल वगैरह और लगाना है, थोड़ी चैन वगैरह में जड़ सा लग रहा है, सारी ठीक कर दूँगा, पेंच वगैरह खींच दूँगा तो ये बच्चों के चलाने के लायक हो जाएगी। और आइए कायरों से किच का आयो ट्रैक्टर गांठ नहीं खोलते, अरे मेरा मंदिर से चला ले। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो हमारे घर जो है ना अमरूद का पेड़ है, तो इस पे है ना काफी सारे अमरूद आ रहे हैं, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, तो भाई मेरा तोड़ रहा था अमरूद और ये पेड़ पे चढ़ रहा था आराम से खड़ा होके, वही अमरूद खा रहा था बड़ा पक्का मोटा अमरूद उसने तोड़ा, तो मैं नीचे से उसको बोल रही थी कि भाई मेरे को भी इधर थोड़ा सा भेज दे 50-50 कर ले, यार जीजी एक अमरूद खा लूँ तब तोड़ूंगा, मतलब मोटे मोटे हो रहे हैं काफ़ी और खूब सारे अमरूद है। तो यहाँ पे है ना जो मोदी सरकार की ओर से सभी के घरों में राशन आ रहे हैं वही आया है हमारे यहाँ भी, तो अब की बार नंबर हमारा था, तो यह है चने चने का पैकेट, तो इस पर लिख रहा है साबुत चना मुफ्त साबुत कुछ ऐसे लिखा हुआ था, और ये एक रिफाइंड की थैली थी ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और एक नमक की थैली, ये तीन चीज़ हम लोगों के यहाँ पे आज आई है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि भाई सरकार की ओर से जो भी मिल रहा है वो सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने आज ना थोड़े से कपड़े धुले थे दिन में आप लोगों को बता दूँ, तो मैंने ना इनको टाइम धूप भी निकल रही थी हवा भी चल रही थी टाइम से ही धो के फुला दिया था, मैं थोड़ी हवा निकल जाएगी इनमें जल्दी जल्दी, जो भी सूखेंगे ठीक है, जो थोड़े बहुत गीले रह जाएंगे तो अभी रख देंगे उतार के, और क्या अब मैं इनको उतारना पड़ा क्योंकि कोई कोई बूंद आ रही है, अगर एकदम से बारिश आनी स्टार्ट होगी ना तो सारी मेहनत ख़राब जाएगी, फिर दोबारा से धोने पड़ेंगे सर्फ साबुन पानी वगैरह दोबारा सारा सिस्टम करना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके सारे कपड़े मैंने उतारने स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ सारे कपड़े उतार लूँगी मैं यहाँ से, और एक रस्सी ढूंढूंगी बरामदे में बांध लूँ कोई रस्सी जिससे आराम से मैं उनको वहाँ फैला दूँ, रखे हुए में भी महक हो जाती है, और यहाँ भी नहीं खेल रही थी तो क्या आखिरकार मुझे एक रस्सी पाई गई, और भाई इस रस्सी को बांध रहा था इधर से इधर को उसने बांध दी के लिए मैंने बांध दी और यहाँ कपड़े डाले, तो मैंने एक एक करके यहाँ कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए, तो मेरे एक जोड़ी हैं बच्चों के ज़्यादा हैं और कायरों के पजामे वगैरह अवनी के अवनी की पैंट वगैरह, तो इन सब बच्चों के कपड़े मैंने यहाँ फैला दिए। फिर ली मैंने सब्जी, जी हाँ सब्जी वाला आ रहा था सुबह से, मैं बाट देख रही थी आए भी थे दो सब्जी वाले तो मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा काम के चक्कर में मैं उतर लगी हुई थी, मतलब टीवी वगैरह चलते रहते पता नहीं चला मेरे को, मैं पूछ रही थी पड़ोसन से कि सब्जी वाला नहीं आया, कि आए थे सुबह दो तो उन्हें ली नहीं, और फिर अभी ये भैया आए ये सुबह शाम आते हैं इधर कोई, तो फिर अपनी ने आवाज़ लगाई कि मम्मी सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, फिर मैंने सब्जी ली थोड़ी सी, सब्जी चाह रही थी हम लोगों को, और यहाँ मैं पी रही हूँ पानी, दो दिन से मैंने पानी जो है बरसात की वजह से कम पिया है, तो जब ये बोलते हैं कि दिन में को 2 लीटर पानी मिनिमम हम लोगों को पीना चाहिए, और यहाँ मैंने अभी एक कटोरी पानी पिया, मुझे प्यास लग रही थी दो दिन से, मुझे बहुत कम प्यास लगी थी, पर आज मेरा सुबह से पानी पीने को बहुत मन कर रहा था, मैंने कम से कम 3-4 कटोरी पानी सुबह से पी लिया, और यहाँ मैंने प्याज काट ली थी लहसुन काट लिया था, और ये मैगी के पैकेट है ये खोल लेते हैं, कढ़ाई रख दिया गैस पे, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया मैंने, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, और मैगी के पैकेट खोल लिए, टमाटर मंगाए हैं मैंने अवनी से, तो टमाटर भी काटने हैं, तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले डाल लेते हैं लहसुन प्याज, तो इनको अच्छे से भून लेते हैं, इनको भूनने के बाद मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी, जी हाँ मैंने भून लिए थे टमाटर, डाल दिए थे कटे हुए टमाटर डाल के, फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी हल्दी मिर्च डाल लेते, और जो मैं मसालों के पैकेट है वो भी डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी और डाल दिया,
इनको मसालों को थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मैगी जो मैंने पहले से ही प्लेट पे निकाल के रखी हुई थी। तो ये मैगी डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चमचे से दबाया और इसको ऐसे अच्छे से ढक दिया। यहाँ देखिए मैगी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा इसमें पानी दिखाई दे रहा है, उसको अच्छे से सोखने देते हैं। टमाटर डाल के मैंने मैगी तैयार की थी। जी हाँ, मैगी से कुछ बनाने वाली हूँ मैं। तो मैगी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसको टिफ़न में निकाल लेते हैं। जी हाँ, सारी मैगी को मैंने टिफ़न में निकाल लिया था और थोड़ा फ्री होकर मैं इसलिए लगी हुई थी कि कायरो सो रहा था। वापसी में मैंने कढ़ाई साफ़ की और इसमें ऑयल डाला और यहाँ मैं ले रही हूँ ब्रेड का पैकेट। जी हाँ, ये छोटे ब्रेड हैं तो इनसे मैं कुछ और अलग हटके अलग तरीके से मैं मैगी की वो जो चीज़ बोल रही हूँ ना बनाने वाली, वो बना रही हूँ। अगर आप लोगों के पास में बड़े ब्रेड है तो बहुत अच्छे से बनेगी और इन्हीं ब्रेड से बनेगी। तो मैंने है ना ब्रेड सारे ब्रेड के जो कन्ने हैं वो अलग निकाल दिए और बीच का हिस्सा बचूर बचूर के सारा इस मैगी में मिला लिया अच्छे से और इनके गोल गोल पकौड़े तैयार किए। तो आप लोग या तो सूखी मैदा में इनको लपेट के तब इनको मतलब रोल करके ना बना सकते हो। सूखी मैदा से अच्छा पता है क्या होगा, आपको है ना थोड़ा सा बेसन घोल लीजिए, उसमें डबो डबो के उतार लीजिए, या फिर थोड़ा सा आटा, अगर आटा नहीं है तो आप मैदा में हल्का सा घोल बना के उसमें भिगो के उतार सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे है ना सूखे आटे में रोल करके तब मैंने ये मैगी के करके पकोड़े उतारने स्टार्ट किए। जी हाँ, मैंने बनाए हैं मैगी के पकोड़े, प्लेट रेडी है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार होने वाले मैगी के पकोड़े, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे, आज कम नहीं है, हलवा तो कम था, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा भी खिलाती था फैमिली वाले नहीं है ना। अभी आप लोगों के कमेंट्स पड़े हैं अभी भी हलवे को लेकर आ रहे थे, तो मैं इस बात को बुरे के तौर पर नहीं ले रही हूँ, सीरियस होकर एक बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आप लोग अपनी जगह सही हो तो थोड़ा सा ना वो कम होने की वजह, दाल कम होने की वजह से कम बना पाई थी। और मैगी के पकौड़े बहुत झटपट से और बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। एक तरीका हो रहा है मैगी के पकौड़े बनाने का, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे बैठा नहीं जा रहा, थक रही हूँ, कमर में दर्द हो रहा है। आप है ना क्या कर सकते हो, बड़े वाली जो ब्रेड होती है वो ले लो और उसके जो है कन्ने निकाल दो सारे। उस ब्रेड को जो है ना हाथ से लो और थोड़ा सा पानी का यूज करो, चेपटा सा कर लो जैसे रोटी को कर लेते हैं, या फिर चकले पे बेल के थोड़ा जब चेपटा कर लो। उसमें मैगी जो है हमने तैयार करी है, हमारी जो मैगी है आपको ऐसे तैयार नहीं करनी, बिल्कुल नॉर्मल मैगी जैसे बनाई हुई है उसको उसमें रखो ब्रेड में और उसको मोमोज की तरह ऊपर से बंद कर दो, तो बहुत अच्छे मैगी के पकौड़े बनते हैं। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में फिर कभी वीडियो में दिखाऊंगी ब्रेड के, उससे बहुत अच्छे बनते हैं इस तरीके से भी। अभी फिलहाल वीडियो का एंड करते हैं, पर आज ऐसा आज की एक बात आप लोगों को बताऊं। आज कायरव के साथ उसके जो है ताऊ जी खेल रहे थे, मैं ऐसा हुआ ना इधर काम कर रही थी, पराठे बना रही थी इधर मैं, हाँ उड़ा लो, इधर मैं पराठे बना रही थी तो कायरव बुग्गी पे खेल रहा था अवनी भी, तो मैंने अवनी की आवाज़ नहीं सुनी और मुझे ये लगा कि पता नहीं कहाँ चला गया कायरव, आवाज़ नहीं आ रही अवनी की बिल्कुल भी कायरव के साथ में। तो मैं एकदम से जो गई ना देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि पता नहीं भाई आवाज़ ही नहीं आ रही अवनी की, क्या बात होगी, कायरव कहाँ चला गया। तो मैं देखने के लिए गई तो देखो ओहो कायरव अपने ताऊ जी के साथ में खेल रहा है डोगी से। बड़ा मन खुश हुआ मुझे देख के, बड़ा अच्छा लगा कि भाई वो अपने ताऊ के साथ खेल रहा है। तो मैं थोड़ा सा यूँ घबरा गई थी कि कहीं पता नहीं अवनी कहाँ चली गई छोड़ के, उसको अकेला नहीं छोड़ते, चोट फैट लगवा लेता है, ट्रैक्टर देख के तो वो रुकता नहीं बिल्कुल भी। तो मैं एकदम से थोड़ा घबरा सी गई कि आवाज़ नहीं आ रही, कहीं क्या बात होगी अवनी की, और कायरव कायरव की आ रही, बड़ा चीख चीख के खेल रहा है, क्या बात है। देखा तो अपने ताऊ जी के साथ लगा हुआ है, अच्छा लगा। और अब थोड़ा थोड़ा मेरा बेटा जो है शर्मिंदा हो गया है, थोड़ा जिद्दी भी है तो थोड़ा शर्मिंदा भी है। मम्मी के साथ खेलने में नहीं चल रही है। गुड नाइट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आ रही हूँ नींदी, नींद नहीं आ रही है, सो जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।